गुड मॉर्निंग मिस जानदान। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस्टर दमेर, आप चाय पियेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर आप दे रही हैं तो। आपकी तबीयत कैसी है? तुमसे मतलब। वैसे मिस जानदान, आपने कल जो दवाई दी थी काम कर गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया है। अच्छा आप ठीक हो गए, लेकिन फिर भी आज आराम कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साथ में कुछ पीने के लिए भी है, ये लो आप दूध पी लो। नहीं नहीं, तुम पीना वो। नहीं वैसे भी मुझे दूध पसंद नहीं है, ये लो। तुम्हें तो दूध पसंद नहीं था ना? चंदन दीदी, नाश्ता बहुत अच्छा है। थैंक यू ओइकू। आराम से खाओ। बेटा तुम कैसे भूल गई, मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि कैसे खाना है, इस तरह से काट के। हा? कोई बात नहीं, उसे खाने दीजिए ना, ये लो। थैंक यू। वैसे इसका कभी पेट भरता ही नहीं। वो क्या है ना कि छोटी है ना ये। जानदार दीदी, मुझे एक और मिलेगा, ये बहुत टेस्टी है। हाँ अभी लाती हूँ। बेटा मैंने क्या कहा था, भरे मुँह से बात नहीं करनी चाहिए, और इतना ज्यादा खाओगी ठूसोगी तो पेट दुखने लगेगा। कुछ नहीं होगा, मैं खा सकती हूँ, ये लो बेटा। कितनी भूख है तुम्हें, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। मिस्टर दमेर, वो आप ओइकू को आज कहीं ले जाने वाले हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग तो हर वीकेंड पर कहीं घूमने चले जाते हैं, तो आज भी नहीं, हम कहीं नहीं जाते। आजकल काम बढ़ गया है ना, तो वक्त नहीं मिल पाता। वो मुझे घोड़े को देखने के लिए आज जाना है, तो क्या मैं ओइकू को लेकर जा सकती हूँ? ठीक है क्यों नहीं, तुम जा सकती हो, मेरा मतलब आप इसे कहीं भी ले जा सकती हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है और घर भी देखना है। तो फिर ठीक है, तुम नाश्ता खत्म कर लो, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है। ओह अच्छा, क्या बात है, बहुत लकी हो। हा?